जय जितेंद्र। जय बोलेना दोस्तों, 3:33, 3:33 PM और सिर्फ 3 मिनट हुई है मार्केट को बंद हुए, ओनली 3 मिनट्स। डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। तो शायद आपको याद होगा पिछले फ्राइडे को मैंने 3:33 क्या बोला था, एक बड़ी ऐसी मूव आएगी कि आप पागल हो जाओगे। हालांकि वो मूव मैंने बोला था फ्राइडे तक आएगी, लेकिन दो दिन में अगर आपने देखा होगा तो 16,900 से हम 17,500, मैंने 700 या 800 पॉइंट की बड़ी तेजी की मूव भी बोला था पिछले वीक, और ये भी चैलेंज करके बोला था कि एक बार 20 EMA के ऊपर मार्केट जरूर जाएगा, उसके बाद ही शॉर्ट बनेगा। कल एक तेजी के बाद मैंने हल्का सा शॉर्ट बोला था, और आज भी मैं अब शॉर्ट ही बोलूँगा और कल भी शॉर्ट ही बोलूँगा। चलिए, अब मार्केट 560 या 570 इसका टॉप लिख लीजिए आप लोग, मैक्सिमम 570 इसका टॉप मैक्सिमम, और सोमवार तक 16,980 डेफिनेटली आएगा। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए। अब आज ये एनालिसिस आज बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आज मार्केट ने कोई चांस नहीं दिया। तो सबसे पहले क्लोजिंग देख लेते हैं, क्लोजिंग अभी तक आई नहीं है, 3:34, 35 हुई है, 2 मिनट में बकबक कर चुका हूँ। क्लोजिंग शायद यही आई होगी, 469 यही होनी चाहिए क्लोजिंग आज की। चलिए मैं चार्ट में दिखता हूँ, तो पहले मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ खोल लेता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो में बोला था 480 से लेके 560 एक आपका मस्ट सेलिंग जोन है, 480 से 560, ये मैंने आपको दोपहर के वीडियो में ही बता दिया था। तो आज का निफ्टी का हाई कितना है, 484। अब मैंने ये भी बोला था कि डबल टॉप, क्योंकि पिछले फ्राइडे को हमने ये वाला टॉप बनाया था 489.90। ठीक है, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में इसको देखोगे, अगर कल ये हाई नहीं टूटता है तो ये डबल टॉप जैसा लगेगा आपको। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ऐसा मार्केट वी शेप रिकवरी किया, इसको क्या बोलते हैं, वी शेप रिकवरी। अब ये हो सकता है ना वापस उल्टा एन भी बना दे, फिर से दिखाता हूँ आपको थोड़ा बड़ा करके। अब आप देखिए, ये फ्राइडे का टॉप था, दिस वाज द टॉप ऑन फ्राइडे, और ये आज का टॉप, दोनों आइडेंटिकल टॉप है। एक 489 था फ्राइडे वाला, 490 समझ लीजिए, और आज 485 समझ लीजिए, एग्जाम आइडेंटिकल टॉप। नीचे आया 16,800 कितना आया था रुपये, दो दिन में 16,891 आ गया टॉप से दो दिन में, और अगले दो दिन में बॉटम से 17,485 आ गया। ध्यान से सुनिएगा ये बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। दो दिन में 17,489 से 16,890 आ गया, और दो दिन में 16,890 से वापस से 17,485 आ गया। तो एकदम वी शेप रिकवरी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी। लेकिन ये टॉप अभी भी बरकरार है जो पिछले फ्राइडे का, लेकिन ये टूटना चाहिए। क्यों टूटना चाहिए, क्योंकि अभी भी 20 मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज, वो 501 पे है। मैंने आपको सुबह भी बताया था, ये रोज़ चेंज होती है, रोज़ मूविंग है, इसलिए हर वक्त मूव होती है। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने कमाल क्या किया, 20 EMA और 10 EMA दोनों के ऊपर क्लोज किया। 10 EMA कितनी थी, 279, उससे तो काफ़ी ऊपर थे हम कल से ही, ठीक है, कल नहीं थे लेकिन आज आ गए। आज इसने एक ही दिन में दोनों EMA के ऊपर क्लोजिंग किया। तो अगर आपको मैं ऐसा पहले का भी इंस्टांस दिखाऊं कि एक ही दिन में दोनों EMA के नीचे या ऊपर जाता तब क्या होता है, चलिए यहाँ देखिए, एक ही दिन में ये 10 और 20 दोनों के नीचे गया, ठीक है, एक ही दिन में, लेकिन अगले दिन से 10 के ऊपर चला गया। ये तेजी वाली बात बोल रहा हूँ, मंदी में क्या होता है, नीचे से देखना पड़ेगा कहीं और। तो यहाँ एक ही दिन में जब भी ऐसा करता तो अगले दिन रिवर्सल मूव आता है, एक ही दिन में अगर 10 और 20 दोनों को क्रॉस करता है कोई स्टॉक,
है, कल तक निफ्टी कहाँ पे था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ, कल तक निफ्टी कहाँ पे था, 176 की क्लोजिंग थी। तो 10 EMI से कल नीचे था 279 और 20 EMI 430 से दोनों से नीचे था। एक ही दिन में इसने दोनों के ऊपर निकल गया, यहाँ पे भी एक ही दिन में दोनों के नीचे आ गया था, ठीक है। और लकीली यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ रही है, यहाँ 1 EMI के ऊपर आ रही है, यहाँ दोनों के ऊपर आ रही है। चलिए मैं पीछे का कोई इंस्टांस दिखेगा, मैं इन्वेस्टिंग में देखने की कोशिश, चलिए यहाँ पे कहीं दिखता हो तो मैं दिखाता हूँ। वन यहाँ पे मैं 10 और 20 कर देता हूँ खाली, कभी ऐसा हुआ पहले तो दिखाता हूँ, दिखेगा अभी तो नहीं, 9 मंथ्स में कभी हुआ, यस ये देखिए, ये व्हाइट कैंडल एक ही दिन में दोनों के ऊपर आई और अगले दिन एक रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पे भी नीचे से ऊपर आने का स्टार्ट होना चाहिए। चलिए इस पे नहीं जाते अभी, अभी टाइम पास नहीं करना है। आज एक ही दिन में क्या किया इसने, दोनों EMI को क्रॉस करके क्लोज कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी तेजी का सिग्नल दे रहा है ऐसे तो, ठीक है, बहुत बड़ी तेजी का। लेकिन अभी भी तेजी क्यों नहीं होगी, वो कारण एक ही है, आज भी 50 EMI 20 EMI से 90 पॉइंट दूर है, मतलब 50 EMI की वैल्यू 522 है, 20 की 430, यानी कि अभी भी स्ट्रक्चर वीक है। और 20 EMI 10 EMI से ऊपर है, वो भी 150 पॉइंट ऊपर है, तो ये भी स्ट्रक्चर वीकनेस की कहानी बोला, यानी कि हो सकता है कल ये हाई टूटे ही नहीं, और टूटे भी तो सिर्फ इंट्राडे में टूटे और क्लोजिंग बेसिस कल हम बहुत नीचे आए। तो आप देखो ये हो गया फ्राइडे का हाई, ये आज का हाई वी शेप्ड, अब वी शेप्ड इसको क्रॉस कर देना था भाई, 490 के ऊपर क्लोज दे देता आज, जब तूने क्लोजिंग आज की 469 की दे दी तो 490 दे देता, ताकि फ्राइडे के ऊपर क्लोजिंग भी आती, ब्रेकआउट भी मान लेते हम लोग, है ना। और 490 को क्यों बोल रहा हूँ, 501 को भी छू लेता आज 20, ये कल छुएगा। अब कल क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे तैयार, ये मैंने आपको दोपहर को दिखाया था एक जोन, क्योंकि इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देखो ये जोन मैंने आपको दिखाया था, आज का हाई देखिए एग्जैक्टली इस जोन पे बना, मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 480 to 560 स्पॉट, बिग सेलिंग जोन, बिग सेलिंग जोन, ये मैंने वीडियो भी दिखाया था। तो इस जोन पे आते ही निफ्टी आज हाई बना के रुक गया, लेकिन ये जोन कितना बड़ा है, 480 से 560 का है, तो अभी कल 560 के करीब जाके ऐसे गिरेगा। क्यों 560 जाएगा, क्योंकि 501 इसकी 20 SMA है, उसको भी कल छुएगा। तो कल का हाई 540 से लेके 590 के बीच बनना चाहिए, कल का जो हाई बनेगा वो 540 से लेके 590 के बीच में कहीं पे भी बन सकता है, 540 से लेके 590, लेकिन कल डेफिनेटली 1000% एश्योर्ड है कि कल रेड क्लोजिंग आएगी, लेकिन कल ये हाई बनेगा। क्यों, क्योंकि 501 इसको एक बार छूना जरूरी है 20 SMA, तब बड़ी गिरावट आएगी उसके बाद। तो आप देख लो ये जोन मैंने बनाया। अब आज ये इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, पिछले दो दिन से इसने क्या किया, ये मंगलवार को क्या किया इसने, यहाँ पे गैप अप, चलिए ये मंगलवार को एक गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ से यहाँ देखिए एक गैप हो गया, ये सोमवार को लास्ट ट्रेड हुआ था 15 मिनट की कैंडल में, और मंगलवार को पहली कैंडल यहाँ खोला और पूरे दिन तेजी रखा, सिर्फ लास्ट के 20-25 लास्ट के 45 मिनट जानबूझ के एक छोटा सा मंदी लाया, ताकि हम जैसे लोग कंफ्यूज हो जाए कि कल डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन कहीं मंदी नहीं आई, क्योंकि इस लो को नहीं तोड़ा जो एक बार पहले आया था। अब आज क्या किया, कल का लास्ट ट्रेड यहाँ हो रहा है 176 के आसपास, और आज सीधा खोला ही यहाँ पे, और आज तो कोई मौका भी नहीं दिया, आप देखो
कोई भी कैंडल आपको नीचे की तरफ ला ही नहीं रहा सीधा। तो ये तेज़ी नकली है, अपने आप में ये बता रही है। कल इसने लास्ट में सिर्फ 45 मिनट मौका दिया, 70-80 पॉइंट का करेक्शन किया लास्ट के 45 मिनट, और आज क्या किया, बड़ा गैप से खोल दिया और आज सीधा ही ऊपर जाते गया, कोई भी एक कैंडल नीचे नहीं ला रहा। देखिए 15 मिनट का मूवमेंट मैं दिखा रहा हूँ, तो ये दो बड़े गैप हो गए। अब कल क्यों 560 तक जा सकता है, यहाँ पे एक गैप छोड़ के आया हुआ। देखिए ये गैप था, ये कौन सी तारीख का था, अब आप यहाँ पे देखो ये 25/11 को निफ्टी लास्ट ट्रेड किया था 536 का, ठीक है, और अगले दिन सीधा क्या लो बनाया, क्या ओपन हुआ 340 पे। तो ये बहुत बड़ा गैप था, 536 कल जाना कंपलसरी है, इसीलिए मैंने बोला कल 540 से लेके 590 के बीच में हाई बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टुमोरो निफ्टी विल मेक हाई बिटवीन 17,540 टू 17,590, इस बीच में कोई हाई बनेगा कल। क्यों समझाया मैंने आपको, देखिए ये गैप छूटा हुआ है 536 का, तो 36 को छूने के लिए 36 का हाई तो बनाना पड़ेगा, इस जोन का एक हाई बनेगा, हो सकता है थोड़ा सा इस जोन के ऊपर निकाल दे इंट्राडे में, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद मंडे तक कहाँ आएगी प्राइस, यहाँ लिख लो ये दोनों गैप फिलअप होंगे, मंडे तक वापस आप 16,900 देखने के लिए तैयार हो जाओ, मंडे तक दावा है सर। लेकिन कल इस बीच में हाई बनेगा, क्यों, क्योंकि ये गैप छूटा हुआ है, इसको फिलअप करेगा भी इस गैप को 536, इसमें लो कितना था 528 का लो था क्या, नहीं 536 का तो दिखा रहा है, इस कैंडल में कितना है 536, ये आखिरी कैंडल यही है, और यहाँ पे ओपन ही हुआ 340, मतलब 200 पॉइंट नीचे खोला था, ऐसा क्या हो गया था भाई। पच्चीस ग्यारह, अच्छा ये नई सीरीज चालू हुई होगी 200 पॉइंट नीचे, एक सेकंड चार्ट में देखना पड़ेगा, कल ये हाई बनेगा ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इसको मैं इमेज को सेव कर लेता हूँ, मैं याद रखूँगा इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा दिन 25/11 बोल रहा है, यस, इसमें देखिए 536 की क्लोजिंग आई थी 25/11 को, आप नोट करिएगा 536 की क्लोजिंग आई थी 25/11 को, और अगले दिन इसने क्या किया, खोला ही 338 पे 26/11 को, 25/11 की क्लोजिंग कितनी थी 536, और 26/11 की ओपनिंग 29/11, 25/11 के बाद सीधा 29/11 को खुला था क्या, छुट्टी होगी बीच में, नहीं 26/11 करेक्ट 25 को एक्सपायरी होगी उसके बाद खुला होगा, या 26 को एक्सपायरी होगी, तो अगले दिन खुला ही 338, तो बहुत बड़ा ये गैप यहाँ पे दिख रहा है।
ये अब 540 तक तो जाएगा कल, उसमें क्या होगा, क्या क्या काम पूरे हो जाएंगे। 501 वाला ये जो 20 SMA भी टेस्ट हो गया, 20 EMA के तो ऊपर आज क्लोज ही कर दिया, 10 EMA के ऊपर भी आज क्लोज कर दिया, ठीक है। तो आज लगभग सारी EMA के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया आज, सारी EMA, ठीक है, एक्सेप्ट 50 EMA, एक्सेप्ट 50 EMA। 50 दिन की एवरेज के ऊपर नहीं क्लोज कर पाया 2 दिन में 500 पॉइंट की तेजी करके। इसका मतलब क्या होता है, 50 दिन की जो एवरेज प्राइस है उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। अब 50 दिन की हम लोग सिंपल एवरेज भी देख लेते हैं, यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा तो सिंपल एवरेज कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सिंपल एवरेज तो बहुत ऊपर है, 780 है, मुझे तो कल जो लग रहा है वो मैंने बता दिया। और मंडे तक क्या होगा, मंडे तक इस तरह से एक डाउनफॉल आएगा, और अगर ये हाई रह गया तो भी रह सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे आज लास्ट ट्रेड हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फिर से, आप देखो 489 से गिरा मार्केट, 16891 तक आया 2 दिनों में, ये 2 दिन के मूवमेंट है, ठीक है। 2 दिन में एकदम सीधा खड़ा खड़ा गिरावट था, और यही 2 दिन में मंगल और बुध में वापस से इसी जगह पहुंच गया, तो एकदम वी शेप रिकवरी। अब क्या हो सकता है, कल इस जगह कहीं पे हाई बना के वापस से यहाँ कहीं तक तो आएगा ही, 17,000 या 16,900 तक। क्यों इतना आएगा, क्योंकि ये 2 गैप जो महाराज जी ने छोड़े हैं इनको फिल अप करेगा। तो कल आपको बहुत चांस है कि कल की डेट में ही सुबह अगर तेजी हो गई तो आप आफ्टरनून में इस जगह तो देख ही लोगे, 17,300 तो कल ही देख लोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया अपनी तरफ से, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी के चार्ट। तो मैंने कल का हाई वगैरह सब बता दिया आपको क्या होगा, लेकिन मार्केट 16,300 एट एनी कॉस्ट इसी महीने में आएगा, अब मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है वो भी समझाऊंगा अभी, पहले बैंक निफ्टी का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेजी हो गई, ऐसा लग रहा है कोई मॉर्निंग स्टार बना के घुमा है, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आएगा 37,900 पे कल, 37,900 से 38,000 के बीच में एक बड़ा रेजिस्टेंस आएगा इस जगह। ये हाई कितना था, सॉरी इस जगह 37,900, तो 37,900 से 38,000 के बीच में कल आपको एक बार हाई दिखेगा, वहां ठोक देना, 600-700 पॉइंट कल और तेजी होगी, एक बार हो सकता है 600 पॉइंट या 500 पॉइंट कल तेजी हो सकती है, 800 से 900 के बीच में कल हाई बने, लेकिन गिरावट कल कल माइनस क्लोजिंग डेफिनेट। अब आज मैंने जो बात बोली थी आपको कि आएगा, तो अब आप लोग देखो निफ्टी का 200 EMA देखो क्यों इसी महीना आएगा, ये भी बता दो। मार्केट ने सब EMA छू दिया अभी तक, 200 EMA आज कहाँ पे खड़ी है निफ्टी की, 16,241। ये प्लस माइनस आप 50 पॉइंट्स गिन लो, क्योंकि रोज़ चेंज होती है, 200 दिन की एवरेज है, तो रोज़ अब आज तक के 200 दिन गिनेगा, कल क्या होगा, कल से लेकर 200 दिन गिनेगा पिछले 200 दिन, ठीक है। तो ये 16,300 इसको छूने तो जरूर आएगा, इस लाइन को मार्केट छूने एट एनी कॉस्ट आएगा इसी महीने में, ये जो लाइन है 200 EMA की लाइन। और इसको इसको चरितार्थ कौन करता है, इसको बोल रहा है कि ये होगा ऐसा, वो कौन प्रूफ कर रहा है, मंथली चार्ट,
मंथली चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी 10 EMA जो है वो भी 274 पे है। आप देखो 10 EMA ऑफ मंथली जो कि कितने महीने से छू ही नहीं गई है अभी तक, जबकि पहले हमेशा इसको छू के चलता था। तो इसको भी छूने मार्केट आएगा ही आएगा इसी महीना। प्लस आप यहाँ पे ये तीन कैंडल पे नज़र डालो तो एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो चुका है। ये तीन कैंडल पिछले 3 महीने की, मैं दिसंबर का नहीं बोल रहा हूँ, दिसंबर की तो ये वाली है, ठीक है। ये सितंबर, ये अक्टूबर में 18604 का नया हाई बना लेकिन एक शूटिंग स्टार बनाया, और ये नवंबर में एक बड़ी रेड कैंडल, इसको बियरिश एनगल्फिंग क्यों बोलते हैं ये भी बताता हूँ। इसकी जो बॉडी है इसकी बॉडी को पूरी बॉडी ने कवर किया, बॉडी को अगर बॉडी कवर करती है तो ये बियरिश, और ये पहली बार बियरिश साइन दिया। क्यों? क्योंकि पिछले महीने के लो से भी काफ़ी नीचे क्लोज किया। अक्टूबर का जो लो था, आप देखिए अक्टूबर का लो था 17452 और नवंबर में क्लोज किया 16983। क्लोजिंग आई है नवंबर की तो कितना नीचे क्लोज किया इसने, क्या किया, एक ही बार में दोनों महीने के नीचे क्लोज कर दिया। सितंबर का भी जो लो था वो 17055, तो नवंबर महीने में अक्टूबर और सितंबर दोनों के नीचे क्लोज कर दिया मंथली क्लोजिंग, और ये इवनिंग स्टार जैसा बना दिया। देखिए ऐसा होता है, देखिए अगर डाउन ट्रेंड में ये बनता है ऐसा फॉर्मेट, एक कैंडल और बीच में कोई डोजी या स्पिनिंग टॉप और वापस डाउन ट्रेंड अगर रहता तो ये बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, बीच में सेकेंड डे ये स्पिनिंग टॉप और ये बड़ी वाइट कैंडल होनी चाहिए। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, मतलब डाउन ट्रेंड से सूरज उग रहा है वापस तेजी की तरफ, और अप ट्रेंड में ऐसा होता है तो इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, मतलब सूरज डूब रहा है, तेजी का सूरज डूब रहा है। ये सिग्नल ऑलरेडी मंथली में आपको मिल चुका है, तो इस महीना ये 10 EMA छुआ जाएगा। जो मंथली का 10 EMA कितना है 16274, और डेली वाला जो 200 EMA वो भी लगभग यही है। वो 241 है, वो 274 है, तो आप मान के चलो 16300 आपको देखने मिलेगा इसी महीने। कैसे आएगा, क्या करेगा मार्केट, वो मार्केट और मार्केट के गुरुज लोग जानते हैं। अब बहुत लोग मुझे क्या बोले, सर इसको मॉर्निंग स्टार बोलेंगे कि निफ्टी को, इसको कैसे मॉर्निंग स्टार बोलोगे भाई, कैसे मॉर्निंग स्टार बोलोगे, कोई हिसाब से मॉर्निंग स्टार नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न दिख रहा है, क्यों, ये रेड कैंडल बीच में बड़ी रेड कैंडल, लेकिन ये बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये इसके ऊपर होनी चाहिए, ये नीचे होनी थी तब जाके मैं बोलता। तो कहीं पे भी मॉर्निंग स्टार तो नहीं है लेकिन इवनिंग स्टार मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। देखिए इवनिंग स्टार का एक और आपको मौका दिखाता हूँ। देखिए एक वाइट कैंडल टॉप पे, बीच में एक स्पिनिंग टॉप और अगले दिन, लेकिन ये तीनों एक जैसी बनी है, यहाँ पे ये थोड़ी ऊपर बननी थी तो नहीं बनी, तो इसको परफेक्ट नहीं बोल सकते। इवनिंग स्टार तो कई बार बनता है, वीकली में देखते हैं कहीं पे दिखता है क्या होता है, इवनिंग स्टार के बाद देखते हैं। तो मंथली में इवनिंग स्टार मैंने बता दिया, उसने क्या किया, नवंबर की क्लोजिंग सितंबर और अक्टूबर दोनों के नीचे किया मार्केट ने, दोनों के लो के नीचे, क्योंकि सितंबर का लो था 17055 उसके भी नीचे क्लोज किया।
ये देखिए वीकली का इवनिंग स्टार आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। इस वीक में टॉप वाइट कैंडल बना के क्लोजिंग हुई, ये बीच वाली कैंडल और ये कंफर्मेशन कैंडल, तो ये तीन कैंडल मिलके इवनिंग स्टार ऑलरेडी वीकली में बना हुआ है। और ये अब इसका जो लो है वो भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, वो तो 18,000 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता हूँ, कल आपको मार्केट बताएगा। 540 से 590 के बीच हाई बनेगा, ठीक है, और मार्केट कल माइनस आएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।